Hi, I'm Raha from Iran. Raha Mirbegi. I am an actress by profession in Iran, and I've produced quite movies in Iran. And over here, we are like I started my own production house, and we are going to produce like web series and web films. And Mr. Shoaib is our EP over here in all over India and all over work. Mr. Kabir Khan is with us, and Mr. Ikram Akhtar as well. Like, we are working together and we are going to start some new projects. And I have met Mr. Sanjay Dutt as well in my previous trip in Mumbai. So we are going to have a very big project with him. That name I will reveal after like some times. So we are working on it. It will take, might be 6 months or 7 months, because it's a very, very, very big project. Another is our web film is there, which is Akbar. And web series is there, which is Godfather. So we are working on that. Why did you select Bangalore as a place? Okay. We'll have the questions. In the last, we'll have questions in the last. You come, sir. Ji, mera naam Ikram Akhtar hai. Ji. Wait, sir. Haan, awaaz aayega. Mera naam Ikram Akhtar hai. ये क्या चाहिए होगा? साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है ना? नहीं नहीं, रहने दीजिए, साउंड आ रहा है. आप लगाए रहिए, उनको लगा रहने दीजिए, साउंड आ रहा है. उनको लीजिए, एक ही आदमी को लगाया जी. रेडी? यस सर. या मेरा नाम इकराम अख्तर है. सबसे पहले सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, नम्मा बगलू. तो बेंगलोर में आता रहता हूँ. पिछली बार भी मैं आया था. मैंने वादा किया था कि यहाँ पर एक फिल्म का शूट करेंगे हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन ऐसा लग रहा है ये 2 साल से कि पूरा बॉलीवुड हिला हुआ है. आप सबको भी पता होगा बॉलीवुड क्या, पूरी दुनिया इस टाइम पर इससे जूझ रही है. तो सबको सबसे पहली बात, एक अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इस जो भी ये आया हुआ है अभी कोरोना जिसको कहते हैं, उससे बचना है, परिवार को बचाना है. अब हम वापस आए हैं. हमारी राहत जी जो है वो ईरान से आई हुई हैं. इन्होंने यहाँ अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है, जिसमें ये फिल्म्स, वेब फिल्म्स सब बनाना चाह रही हैं, वेब सीरीज़ बनाना चाह रही हैं. संजय दत्त साहब से भी इन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट करने के प्लान है इनका. बेंगलुरु मैंने इनको बोला बहुत अच्छी जगह है, आपको देखना चाहिए. तो ये बेंगलुरु आई हैं हमारे साथ में यहाँ पर. तो इनकी जो नेक्स्ट फिल्म अकबर ये जो प्लान कर रही हैं, उसका कुछ शूट हम लोग बेंगलोर भी प्लान करेंगे, जिसके लिए भी हम लोग यहाँ 2-3 दिन रुक के सब यहाँ रेकी करेंगे. हमारे कबीर खान साहब हैं, ये एक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी सीरियल भी किए हैं, फिल्म भी की है, अभी भूलभुलैया 2 भी कर रहे हैं. और इनकी अभी अकबर में भी ये मेन करेक्टर, मेन अकबर जो प्ले कर रहा है, गैंगस्टर फिल्म है वो यही कर रहे हैं. तो ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ की मीडिया हमसे इतना प्यार करती है कि ऑलवेज आ जाती है और हमको सुनती है. थैंक यू वेरी मच. व्हाई डिड यू सेलेक्ट बैंगलोर एज अ प्लेस? एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप टू बैंगलोर, एंड एज आई सेड एंड एज मिस्टर इकराम अख्तर सेड, लाइक दे वर प्लानिंग टू शूट अ मूवी ओवर हियर ड्यू टू दिस कोविड थिंग्स. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट केम ओवर हियर टू सी, एंड यू नो लाइक टू सी द प्लेसेस वेयर वी कैन डू आवर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. So, for your upcoming movie that you have planned, yes, what will be your budget for that? It will hike above 25 crore. Ma'am, look here, ma'am. Yeah. May we know the name of the production house that you have started? Raha Film. Raha Film. So Raha Films is what you have registered under this banner. You're going to produce the movies and everything. Yes. Okay. One question to Ikram sir. Yeah. Sir, आपने देखा कि पिछले कोविड में जो हालात हुए थे, जो पूरे सिनेमाघर बंद थे, मल्टीप्लेक्स कई सारा काम रुका हुआ था. अब जो शिफ्ट जा रहा है टुवर्ड्स OTT प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा शिफ्ट जा रहा है, लोग ज्यादा देखने लगे हैं, बड़े बड़े मूवीज उस पे आ रहे हैं. तो आपके जो ये प्रोडक्शन आपका जो होगा, ये मल्टीप्लेक्स के लिए जाएगा या OTT के लिए रहेगा? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा फायदा ये हो गया है मेकर्स को भी, इवन न्यू कमर्स को भी, जो भी बॉलीवुड में है उन सबको, कि OTT आने की वजह से जो हमारे पहले सेटेलाइट राइट जाते थे ना, वो अब OTT हो गया एक्चुअली. तो हमारी फिल्म थिएटर में तो जाएगी जाएगी, 1 week 15 days में इट विल गो टू OTT ऑल एज वेल. ठीक है, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसा भी करते हैं कि भाई चलो अभी मल्टीप्लेक्सेस में नहीं इतना क्राउड आ रहा है या नहीं वो है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट OTT पे वो बेचते हैं, और उनको उतना ही फ़ायदा होता है जितना पहले हमको थिएटर से हुआ करता. तो आज बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं जो OTT पे गई हैं, जा रही हैं, और बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं 5-6 जिसमें हमारे साउथ के भी हैं, RRR बना के बैठे हैं, वो बोलते हैं हम थिएटर में ही जाएंगे. ठीक है, हाँ, तो उनका ये जिद है. और जिद क्या मतलब, उनको ये पता है कि उन्होंने क्या बनाया. एक्चुअली में जो थिएटर का मज़ा है वो OTT पे आ नहीं सकता, ये तो फैक्ट है. बट ये एक अपॉर्चुनिटी है बड़ी कि आज बहुत से OTT चैनल आ गए हैं और आ भी रहे हैं. तो ये हम लोग के लिए, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आज
इवन अगर आप एक करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि ऑडियंस आएगी नहीं आएगी वो चक्कर खत्म हो गया। सर आपका प्रोडक्शन हाउस जो बैंगलोर में बना है या बैंगलोर में ही बना है? नहीं, हाँ प्रोडक्शन हाउस जो रहा फिल्म को है वो तो इम्पा जो हमारी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है मुंबई में ही आदमी हिंदी फिल्मों का प्रोड्यूसर बनता है। राहा जी का एक और इंटरेस्ट भी है जो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कन्नड़ में कोई प्रोड्यूसर इनके साथ में इनकॉर्पोरेशन में फिल्म बनाना चाहेगा तो ये उसके साथ पार्टनरशिप में कन्नड़ में भी तेलुगू में भी अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर करना चाह रहे हैं। अकबर सर जैसे कि ग्राम सर ने बताया मैंने काफी काम किया है, सीरियल उतरन किया है, एनकाउंटर किया है, वारिस किया है, जुनून किया है, उसके बाद मैंने पहली जो फिल्म की थी जय संतोषी माँ थी जिसमें राकेश बापट, नुसरत भरूचा और मैं, हम तीन लोग थे। उसके बाद चार्जशीट की देवानंद साहब की, उसके बाद अभी अनीस बसमी जी की फिल्म कर रहा हूँ मैं भूल भुलैया 2, एंड बीच में काफ़ी पिक्चर लेगी जो अभी जो है मेरा एक जॉनर नहीं है। मैं जो अकबर कर रहा हूँ वो सर की 8-9 साल की मेहनत है राइटिंग में। जो अकबर करेक्टर है वो रियल करेक्टर है, रियल स्टोरी है, तो उसको मुझे फॉलोअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक गैंगस्टर अलग होता है, एक रियल गैंगस्टर अलग होता है, तो उसको अपने अंदर उतारना, उसको प्ले करना। वैसे कहा जाए तो मुझे नेगेटिव रोल्स बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है, तो आई लव इट नेगेटिव रोल्स। आपसे और एक सवाल मेरा ये है, हमने देखा है कि बचपन से फिल्म एक्टर्स को है ना लोग दे कंपेयर टू गॉड, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, इफ यू गो टू तमिल, मलयालम, एवरीवेयर। एंड सेकंड थिंग इज दैट पीपल फॉलो द सुपरस्टार एज देयर आइडल, दे फॉलो देयर लाइफस्टाइल। In the last couple of years that we have seen the drug mafia, everything, and couple of days ago, even what we saw, Shah Rukh Khan's son being beaten because of the drug consumed, and even Sushant Singh's death and all the unfortunate things happens. So is it the amount of stress or is the more money that comes in your account that makes you go away? What is that cause? मैं अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा इसमें। विक्रम सर आप विक्रम सर बोलेंगे क्या होता है? देखिए पैसा ही आने से आदमी ड्रग्स लेने लगता है या ऐसा होता है कि भाई पैसा ज़्यादा आ गया चलो ड्रग्स कर, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी सोसाइटी आपको मिल जाती है क्योंकि यंग बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और जो बॉलीवुड में अगर बात करें तो बॉलीवुड हमेशा से इसलिए हाईलाइट कर दिया जाता है क्योंकि बॉलीवुड एक मसाला, यू नो, सबको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी का नाम ले लो तो जल्दी न्यूज़ बनेगी, ब्रेकिंग। मेरा ड्रग्स जो है वो एक्टिंग है, मेरा ड्रग्स यही है, मुझे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं है। Raha ma'am, we have seen some of the movies of Iran. So how do you distinguish the Iranian film industry to the Bollywood film industry? It's totally different. I don't know which movie have you seen, Iranian, but it's totally different. Might be that might be Arabi movie, not Iranian movie. Because Iranian movies are specific. Like we are having lots of foundation over there because that is Islamic country. So it's totally different. But over, like in India and in Iran, like we can say lots of difference. Coming back to your point, you said you are making movie plus you are making web series. Yeah. Now, is this web series like something like Ertugrul Ghazi or something completely different from that? No, that's completely different. It is a true story of each and every person. Like we say, I don't know, over here they say like gangster, terrorist. So we are showing the true story of that gangster or whatever you like you think is a terrorist, or but they are not terrorist, why they have become. So it's all the true story of each and every person, and it's very interesting as well. Shweb sahab se mera sawal hai, aapka tag hai aapka Facebook mein Born to Rule, Born Star, sab is very popular hai aap Bangalore mein. Bollywood film industry ko aap dekh rahe hain, saath mein Kannada film industry ko bhi promote karega? Ha sir, actually hamare guruji Ikram sir hai, ये बॉलीवुड में आया मैं इकरम सर के थ्रू, ये हमारे गुरुजी हैं। आज की जनरेशन में जो नए स्टार्स बनना चाहते हैं, कई सारे लोग पूरे इंडिया से ट्रेन पकड़ के मुंबई आते हैं, 6 महीने साल रुकते हैं अंधेरी में वहाँ सब जगह, फिर वापस चले आते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए कबीर सर, बेंगलुरु वाले आपको जाने। मैं वैसे बिलोंग तो पुलिस, मेरे फादर पुलिस से रिटायर है, ACP से, वो चाहते थे मैं पुलिस वाला बनूँ। मेरा ट्रेनिंग के लिए पूरा लेटर सब आ गया था, वो सब छोड़ छाड़ के मैं फादर को बोला। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ, पर एक्टर की लाइफ सिक्योर नहीं है,
कोई गारंटी नहीं कि आप बनोगे जाके। एक जुआ है, एक रेस पे घोड़ा है, पैसे लगा दिए, अगर वो जीत गया जीत गया, अगर हार गया तो आपके सारे पैसे डूब गए। पर मुझे कॉन्फिडेंस था, फादर का सपोर्ट था, माँ बाप की दुआएं थी। मैं आया, मैंने श्री राम सेंटर से किया, दिल्ली एनएसजी से किया, फिर बॉम्बे आके ऑडिशंस दिए, मिला लोगों से, और ये हमारे सपोर्ट था इनका। इन्होंने मुझे कहीं कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ देखा, मेरे टैलेंट को परखा, मेरा एग्ज़ाम लिया, मेरे ऑडिशंस लिए, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सितारा चमक गया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बॉलीवुड में आना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए फाइनेंशियली। मतलब कि अगर वो सारा पैसा यहीं लगा देगा, हर महीने घर से पैसा मंगाएगा, खर्चा करेगा, और वो नहीं बन पाया तो वो उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। इकराम सर, इकराम सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि रहा जो प्रोडक्शंस है वो टॉलीवुड में भी इंटरेस्ट दिखाना चाह रही है, जी। तो क्या आपको प्रपोजल्स आए हैं या आप एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ प्रपोजल? बातचीत चल रही है, और अगर कोई प्रपोजल अच्छा आएगा, वो कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी हो, तो ऑब्वियसली बात है कि तमिल प्रोड्यूसर आ जाए, अप्रोच किया तो आप उनके साथ जो है बिल्कुल हम लोग उनके साथ पार्टनरशिप में फिल्म कर सकते हैं। सर, जो स्टोरी अभी जो बन रही है अकबर जी, नाम से जी, क्या ये पॉसिबल है कि क्योंकि आप कन्नड़ में भी बनाने जा रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस को दिखाने उसे कन्नड़ में डब करें? देखिए क्या होता है कि आज ओटीटी तो आपको बोलता है कि भाई सबटाइटल हमको सब डाल के दे, ठीक है, और अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कन्नड़ में उसको डब करते हैं और उसमें अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो आई डोंट वी विल डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। जैसे कन्नड़ यू नो टीएसआर, यू नो टीएसआर, टी सुपर आमिर रेड्डी जी, तो वी आर गोइंग टू दैट मीटिंग एंड विद अस दिस प्रोजेक्ट ओके विद टीएसआर। ओके सर, आपका आइडल कौन है बॉलीवुड में जिसको इंस्पायरेशन डायरेक्टर में हो? एक्टर वो तो फिलहाल इस दुनिया में भी नहीं रहे, इरफान खान साहब, तो इस समय आपकी मुलाकात हुई है किस तरह? मुलाकात हुई है मेरी। किस तरह की पर्सनालिटी? बहुत गजब की, बहुत गजब की पर्सनालिटी, बहुत अच्छा नेचर एंड वेरी डाउन टू अर्थ, नाइस मैन, एनर्जेटिक, बट इज अ वेरी ग्रेट अच्छे इंसान। डू यू हैव योर ऑफिस ऑफ रहा प्रोडक्शन इन बेंगलुरु एज़ वेल? नो, इन मुंबई वी आर हैविंग एंड प्लस इन दिल्ली। Raha movies we have started in India, like Raha production over here, Raha films. So we are just starting with Akbar, Godfather, which I said, and we are going to shoot some some songs, some albums, and plus what all comes. As sir said, I'm interested in South movies as well. If anybody comes, so they are welcome, and we are here to give opportunities to all the talented people as well, like Raha newcomers. Films starting hai, Raha production starting hai. Ek buniyad rakhi, unhone ek dream rakha hai, jo har koi rakhta hai. Yes. Aur जिस तरीके से फॉलो अप चल रहा है, जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, तो शोएब भाई हमारी मीटिंग यहाँ पर एक दो प्रोड्यूसर से करा रहे हैं। अब जल्दी कल या परसों में हम लोग एक दो प्रोड्यूसर से यहाँ मिलने वाले हैं, जिनके साथ में हम थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे। He's there in our each and everything. He's most welcome. Even though me and him, we are planning, but he's there like in each and everything. He's a part of our company. He's a part of our thing. Yes. If the young talent of Bangalore is a cosmopolitan city where people speak multi languages here, including Hindi as well. So if some boys or girls who are very talented or trained and they have to approach, how they have to approach Raha? So we will do the audition. We will do the audition. We will soon come with our audition things. Everything will be there. In Bangalore, in different part of South India. We are going to do it very soon and everything will be, very clear. What is the motto of organizing this press conference? Is it the launch of the production or is it going to be an announcement for public that we are coming to Bangalore? Yes, we are coming to Bangalore. Three things, that it's a launch. Obviously, baat hai ki Raha films, ek jo industry mein abhi born hui hai, wo ye project kar rahi hai, Akbar kar rahi hai, Godfather kar rahe hai. Aur agar koi South ka mila to hum wo bhi karenge. Aur Akbar aur Godfather ka hum shoot Bangalore mein bhi karenge. Uska audition bhi yahan karenge.
नेक्स्ट ट्रिप पे जब हमारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो साइन होने हैं, जिनका अकबर का पोस्टर लॉन्च भी करेंगे, टीजर भी करेंगे, सब लॉन्च करेंगे उसका, अकबर का नेक्स्ट हम पोस्टर टीजर दोनों लॉन्च के साथ आप सबको बुलाएंगे, आप सबको बुलाएंगे, और फिर उसके बाद हम दो दिन का ऑडिशन रखेंगे। We are working on it. We are still working on it. Can't reveal. Dialogue जो है वो थोड़ा सा वैसा है, पता नहीं। मंदिर में पुजारी टीका लगाता है और बाहर अकबर गोली मार देता है। Yeah. Okay, so one last question. Actually क्या है, ये जो साउथ की फिल्म मुझे बहुत पसंद है, साउथ की फिल्म, उनका एक्शन, उनकी स्टोरीज, उसमें हमने वर्क किया कि अकबर जो बनाने हम साउथ में क्यों ना थोड़ा सा उसको एक मॉडिफाइड करके बनाया। एक फिल्म आई थी 2009 में, उस फिल्म का था नाम बाबर, उसके राइट्स मुझसे खरीदे, क्योंकि राइट्स मेरे पास ही थे, क्योंकि मैंने लिखी थी, तो जो भी पिक्चर में लिखता हूँ उसके राइट्स मेरे पास ही रखता हूँ, प्रोड्यूसर को कभी नहीं बेचता हूँ, तो उसको कन्नड़ में भी और तेलुगु में बनाने के लिए राइट्स लिए गए हैं मुझसे, वो शायद अब यहाँ बने बाबर जी। तो ऐसे ही अकबर जो हमारी ये गैंगस्टर फिल्म है, ये हम मैं इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में भी गया, बिरयानियाँ भी खाई, शोएब भाई के घर भी गया हूँ, सबके घरों पे भी गया हूँ, तो ये जो यहाँ का जो मुस्लिम एक एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर मुझे ये पिक्चर शूट करनी सर, क्योंकि आप साउथ में भी शूट करना चाह रहे हैं उसको और कहानी भी जो है साउथ की आप इंटरेस्ट है, तो क्या, और एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि एक रियल स्टोरी है जिसको जी, क्या है साउथ की कहानी? नहीं, साउथ की नहीं है, ये रियल करेक्टर तो मेरठ का, मेरठ के, बट उसका जो एक पूरा पोर्शन है वो पूरा पोर्शन हम बैंगलोर शूट करना चाह रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम एरियाज हैं, जो हमारी बस वो है यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ वासीपुर रियल स्टोरी है, नॉट लाइक वासीपुर, बट इफ यू सी द बाबर फिल्म, बाबर मिथुन चक्रवर्ती, ओमपुरी, नया का सोहम छाता उसमें जो आज बहुत काफी काम कर रहा है, वो फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो जॉनर की फिल्म है, वेरी रियल, और पहली ऐसी गैंगस्टर फिल्म है ये वर्ल्ड की जिसमें कोई गैंगस्टर नहीं, कुछ कॉलेज के बच्चे रॉन्ग को राइट करने जाते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं, जिसमें से अकबर है, तो ये चार है, चार हीरो है जिसमें नवाज से भी बात चल रही है हमारी, नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी बात चल रही है, और दो तीन एक्टर्स है, क्योंकि चार लड़कों की कहानी है ये, अकबर और उसके तीन दोस्त उनकी कहानी है ये, जो अपने शहर में देखते हैं कि रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग को ख़त्म करने जाते हैं, ऑब्वियसली बात है उनको मानना पड़ता है रॉन्ग लोगों को, रॉन्ग लोगों को मानने के चक्कर में वो खुद रॉन्ग हो जाते हैं। Raha Productions, as we heard, is going to be launching movies and OTT. What about the music? Music also. Videos. Yeah, we are going to do it. It's the most integral part of any entertainment today. Yeah, we are going to do it. Not only in movies, but as well, as you know. Exclusive. Yeah, we are going to do it. We are, even though we are working on the songs, we are just like, you know, discussing what to do, where to do, how to do, what we are going to, like, you know, the way we are going to direct it, everything, each and everything, and we are going to do it very soon as well. When can we expect the first launch? First launch of the shoot might be after we finish our all this meeting from here. It's waiting for us. Can we expect the first movie to be in the theater or OTT by June 2022? Inshallah, hopefully, yes. 2022, last 2022. Yeah. 22 October, Diwali. October. Yes. October. Most probably November we will start. November start. End, we will start the shoot. Before that, we'll do the auditions, finalize the star cast. And everything. And video album, to saath saath mein karte rahenge. It is there. T-series se mera bahut side by side. Aur songs aajkal aap dekhte hain, to thoda sa jo songs ke upar bhi karenge. सर कोई भी यंग लड़का लड़की बेंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी, कहीं से भी मुंबई आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उनके लिए आप मैसेज क्या देंगे? क्योंकि वो ऐसे ऐसे हमने देखे यूथ को कि कोई IAS है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे प्रोफेशन को छोड़ो, जैसे आपका खुद का क्लासिकल एग्जाम है, आपके पिताजी ACP हैं, जैसे लेकिन आप एक्टर बने हैं, कई सारे आते हैं, तो मैसेज क्या देंगे आप, किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए? मैसेज मेरा यही रहेगा उनके लिए, आप आइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, या मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, बॉलीवुड सबके लिए बाहें खुला के खड़ा है, किस्मत, लक और मेहनत, तीन चीज़ें होती हैं, मेहनत करोगे किस्मत साथ देगी और लक भी साथ देगा, आप आइए ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है एक दो साल, तीन साल, चार साल में आपका नहीं होता है, देन यू कैन डू अपना पुराना काम आप स्टार्ट कर सकते हो, पर अपना शौक हर इंसान को पूरा करने का हक है, वो पूरा करेगा।
एक्टर बनने के लिए क्या खूबसूरत होना जरूरी है, चेहरा काम करता है? डजंट मैटर, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, आपका रिलेशन अच्छा है, आपका कन्वर्सेशन अच्छा है, आप अच्छे एक्टर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी सर का तो एक डायलॉग है, कुछ पाँच छः साल से हम देख रहे हैं सर जो एक्ट्रेस का जो ट्रेंड है, पहले कोई भी हीरो हो, लंबा हो, मोटा हो, आज हर एक्टर के लिए जरूरी होता है कि वो जिम में जाए, हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, डेटिंग पे आ जाता है, लड़का हो लड़की हो वो अपने चेहरे पे ज्यादा काम नहीं। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, 30 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, 30 साल पहले मैंने ये डायलॉग लिखा बॉलीवुड के लिए, डायलॉग नहीं लिखा था, किताब लिख रहा था मैं न्यू कमर्स के लिए जो स्ट्रगल करने आते हैं। तो उस किताब का टाइटल ही था बॉलीवुड का सफ़र, भूख से शुरू डाइटिंग पे ख़त्म। तो जो भी न्यू कमर आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये उसको समझनी पड़ेगी, अगर वो ये बोलता है कि जी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको यही पूछता हूँ कि ट्राई करके मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बन के दिखा दें। ट्राई नहीं करना होता है, आप जो काम करने आ रहे हैं उसमें पहले परफेक्शन होना चाहिए। आप हम यहाँ अगर 50 करोड़ की या 25 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो हम स्कूल थोड़ा खोल के बैठेंगे शूट पे, क्या हम आपको वहाँ एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, आप पूरी तरह से तैयार होकर आइए। अगर आपको अपना काम आता होगा और आपको काम नहीं मिलेगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ मैं बॉलीवुड छोड़ दूँगा। किसी भी इंसान को, एक को मुझे मिलाइएगा पूरे वर्ल्ड में से जिसको अपना काम आता हो और उसको काम ना मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, सृष्टि रॉन्ग हो जाएगी। कि अगर आपको अपना काम आता है आपको काम 100% मिलेगा। खाली आईने ने झूठ बोल दिया या चार घर वाले चढ़ा दिए या मोहल्ले वालों ने बोल दिया जा बेटा हीरो बन जाएगा, और तुम बिना तैयारी के अगर आ गए तो फिर घर जाके अपने बच्चों को सुनाया करोगे कि बेटा हम हीरो बनने गए थे। मेरा काफी सवाल जी, पूरी दुनिया के जो सबसे पॉपुलर कॉमेडियन थे जी, उमर शरीफ जी, जो बॉलीवुड में जी, जी, अमिताभ बच्चन, ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जो हिंदी उर्दू जानने वाला उनको नहीं चाहता। उनके बहुत सारे सीन्स चुरा चुरा के मतलब उनका काम ही इतना अच्छा था कि उससे इंस्पायर होके इंदा ने सीन किए, सलमान भाई ने किए, किसने नहीं किए उनके सीन। मेरी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो आपको 2-4 सीन तो उमर शरीफ के जरूर मिलेंगे जो मैंने इंडियनाइज करके अपनी फिल्मों में यूज किए। इतना बड़ा फैन था मैं उनका। इनबॉक्स क्वेश्चन, रहम्स प्रोडक्शन जो बॉलीवुड की मूवीज बना रही है, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बॉलीवुड की मूवीज है वो हॉलीवुड ट्राई करते हैं, लेकिन पहली बात सुना जा रहा है कि बॉलीवुड वाले आके जो है टॉलीवुड को ट्राई करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए क्या है कि यहाँ की इंडस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज पूरे बॉलीवुड को एक तरफ रख लीजिए, तेलुगु की एक पिक्चर आ जाएगी, तमिल की आ जाएगी, वो अलग है। आज KGF कहाँ बनी है सर? KGF भी वही है ना, KGF कहाँ बनी? सलमान यहीं बनी ना सर, बेंगलोर बनी सर। KGF 2 का लोग वेट कर रहे हैं। तो आज हमारी कर्नाटका इंडस्ट्री भी बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है। अकबर जो है, अकबर वन पार्ट में खत्म नहीं, अकबर जो है वो वन पार्ट में खत्म नहीं होगी, उसका भी पार्ट 2 आएगा। उसका भी पार्ट 2 हम चाह रहे हैं कि कन्नड़ में कोई ऐसा मिल जाए जो हम कोलैबोरेशन में कन्नड़ भी कर लें और बॉलीवुड भी कर लें। बॉम्बे में थे, लॉकडाउन खुला था नया नया, तो दिल्ली दरबार चले गए थे खाना लेने के लिए। गाड़ी से उतर के मैंने उनको बोला आप भी आ जाओ तो बनते हैं, खाली टेक अवे मिल रहा था। तो पूरा स्टाफ जो है, ये मास्क लगाए थे, चश्मा लगाए थे, तो पूरा स्टाफ इनके साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाई, और किसी को ये पता नहीं चला कि ये सुसुर नहीं है, चश्मा हटा के भी। And even I was saying you are mistaken. सर मजाक कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, अरे we said he is not Sonu Sood. But they said no. 5%. He goes on Sonu Sood and he is only if you see the face, अपने बयान में कहा है कि मैं तैयार नहीं था, कई बार फ्लॉप होने के बाद कई कोशिश नहीं था। NSD गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 साल उन्होंने, 5 साल तो मेरे साथ रहे वो। मेरी फिल्मों के मैं आपको बता दूं, नवाजुद्दीन साहब ने बाबर की मेरी कास्टिंग नवाजुद्दीन साहब ने की, नवाजुद्दीन साहब मेरे साथ रहे। नवाजुद्दीन साहब को मैंने उस लड़के के जिसने बाबर हीरो का रोल प्ले किया था, मैंने नवाजुद्दीन साहब को उसके गांव भेजा था कि उसको जाके 1 महीने की ट्रेनिंग दो।
नवाजुद्दीन साहब ने उसके गांव में जाके एक महीने की ट्रेनिंग दी उस लड़के को। नवाजुद्दीन साहब बहुत ही मजे हुए, मेंटली बात कर रहे हैं, मेंटली तैयार नहीं था। बट क्या होता है यहाँ इंडस्ट्री में कि आप का एक वक्त आता है, उसको किस्मत कहते हैं। आप अगर ये बोले कि मेरा काम भी किस्मत करेगी तो किस्मत आपका काम नहीं करेगी, किस्मत अपना काम करेगी, लेकिन आपको तो अपना काम आना चाहिए। नवाजुद्दीन को अपना काम आता था लेकिन उसकी किस्मत को क्लिक होने में देखिए कितना टाइम लगा। किस्मत अपना काम करेगी, आप किस्मत के भरोसे बॉलीवुड नहीं आ सकते कि जी किस्मत में होगा तो बन जाएंगे। नो, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। अगर मैं आज आपको बोलूं कि जी ये इनकी किडनी का ऑपरेशन कर दिए, कर पाएंगे आप? बिकॉज यू आर नॉट सर्जन। बिकम द सर्जन। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ आके कोशिश की, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे भी रहे जिनके पापाओं ने उनके लिए दो फिल्में बनाई, तीन फिल्में बनाई, चार फिल्में बनाई, पर काम नहीं आता था उनको। नॉन एक्टर कभी भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर एक्टर होगा तो आड़ा बेड़ा काला टेढ़ा मोटा 60 साल की उम्र में बोमन ईरानी जैसा आके बन जाता है। यहाँ तो पैदा हुए बच्चे से लेकर 200 साल का आदमी मिला के दीजिए, हम उसके साथ भी शूटिंग कर लेंगे। और यहाँ की सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि नो रिटायरमेंट। दिलीप साहब से किसी ने पूछा था कि अगर एक अच्छा एक्टर हो तो इसको इस इंडस्ट्री में कितने दिन सर्वाइव करें। दिलीप साहब ने बोला था कि 20 साल तो कोई हिला ही नहीं सकता उसको, लेकिन अगर वो अच्छा आदमी भी है साथ में तो मर भी जाएगा तो लोग बोलेंगे काश वो जिंदा होता तो ले लेंगे। तो हमारे बहुत से एक्टर अच्छे आदमी नहीं थे, इस वजह से आउट हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे एक्टर थे जिनकी एक्टिंग का लोग लोहा मानते थे, लेकिन अच्छे लोग नहीं थे इसलिए आउट हो गए। और जो मीडियोकर एक्टर भी थे बट अच्छे लोग थे वो आज भी चल रहे थे। सर, पिछले 2 साल में बॉलीवुड में देखा है कि जो बड़े 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 सितारे थे सब इस दुनिया से चले गए, इतने ज्यादा चले गए कि पिछले 10-20 साल में नहीं गए होंगे। ये जो एक तो कोविड का जो एक रीजन था, अगर मैं साजिद भाई की बात करूँ, साजिद भाई की बात करूँ, किडनी फेल्योर से वो इतना, आज जैसा क्या हो रहा है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्ट्रेस लेवल में हाइपरटेंशन, कामयाबी के लिए हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा रीजन है, हाइपरटेंशन है, ऑब्वियसली बात स्ट्रेस भी है। और हेल्थ का भी हम लोग बॉलीवुड वाले ख्याल नहीं रख पाते हैं। मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब फॉरन में शूट करने जाते हैं तो वहाँ के लोग हमको देख के बोलते हैं तुम लोग भूत हो, इंसान नहीं, क्योंकि इंसान इतना काम नहीं कर सकता। जब शूटिंग्स होती हैं आउटडोर में 40-40 दिन हम लोग जो है वो नॉन स्टॉप शूट करते हैं, 3 बजे रात को सोचते हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल इतना है। साजिश याद है अच्छे से, जिम करो, कंट्रोल में करो, हीरो बनना है। अभी मैं जो हूँ मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा कोई प्रोजेक्ट आएगा मुझे पता है मैं 2 महीने में अपने आप को रेडी कर लूँगा विथ ग्रेट मसल सिक्स पैक्स, पर मैं उसको मेंटेन करके रखूँ वो मेरी आदत नहीं है। उसको मेंटेन करने में प्रोटीन लोगे आप, सप्लीमेंट लोगे, स्टेरॉइड्स लोगे, आप क्या क्या लोगे, उससे आपके हेयर फॉल, फेस हाइपरटेंशन, याददाश्त कमज़ोर, तो उससे भी आदमी हल्की हल्की उसका हार्ट वीक हो जाता है, तो मैं वो सब कैरी नहीं कर पाऊँ। मैं लास्ट क्वेश्चन तो रहा प्रोडक्शन इस्लामिक कंट्री, फॉर लेडीज इट विल बी प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव टू वेयर अ स्कार्फ, सो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। ईरान चला गया और वहाँ के लिए फिल्म बनाना था उसके बाद मैं 3 बार गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने सब कुछ मुझे दे दिया था, उसमें करिश्मा कपूर भी रेडी थी, सब रेडी हो गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने शूट नहीं होने दिया। Because of तो ना हम ईरान में इंडियन फिल्म शूट कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान में कर सकते। पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान में बहुत कोशिश की, मैं लाहौर भी गया, मैंने वहाँ ओपन ऑडिशंस भी किए, मैंने मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर को हीरो भी लिया, बट यू कैन नॉट शूट इन पाकिस्तान और ईरान। इंडियन फिल्म ईरान में ड्यू टू दिस स्कार्फ एंड देयर आर, आई टोल्ड यू इट्स अ डिफरेंट ह्यूज, एंड दे हैव टू गो थ्रू आवर इस्लामिक protocols. Last year present in Jeddah. Yeah. Now Bollywood has opened up for Bollywood industry. Yeah. Personally, I have attended a meeting by Minister of Culture there. Right. Now that time when I was there, Mr. Salman Khan was invited to Aramco in Riyadh. He came to the program after 2-3 days. There was a program of Rahat Fateh Ali Khan happened in Aramco again. Right. Now they have opened many multiplexes in Jeddah, Dammam, yes, Riyadh. Yes. Apart from the two cities, the Harmain Sharafain, jahan pe do hai, Makkah, Medina ko chhod ke, sab jagah multiplexes pure hai, kisi sare multiplexes jare. Iran is not like that. Yeah, Iran is different. Very different from Allah. Very different. Saudi Arabia has opened up for shoot as well. Yes. So Iran is not allowed for it. I also got the invitation and I also got everything. But Iran is something different, and with Pakistan we don't have the work visa. We cannot go on work visa. Yeah.
फाइनल मैसेज ये है कि रहा फिल्म्स की शुरुआत है, एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और इसी तरह से आप इनकी फिल्म प्रमोट कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, जिसमें अकबर, राइटर इकराम अख्तर, प्रोड्यूसर रहा फिल्म, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शोएब, तो बस यही आपका प्यार चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, एंड हमारा आवर एक्टर एज वेल मिस्टर कबीर कबीर सर, या सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे और क्या है, कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को हर आदमी चाहता है, क्योंकि ये ऐसी एक फिल्म इंडस्ट्री है जैसा कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, सेम जो है कनाडा फिल्म इंडस्ट्री है साउथ की यहाँ की, तो हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, कनाडा फिल्म इंडस्ट्री वाले हम लोग को सपोर्ट कीजिए, इसीलिए हम प्यार बांटने के लिए आए, आने का यही मकसद है कि हमारा प्यार कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से आए, उनका प्यार हम ले, हमारा प्यार बोले, और जुन्नी को मैं जो भी ऑडिशन देना चाहता हो या वो करना चाहता हूँ तो हम बाकायदा ऑडिशन लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी ऑडिशन लेंगे, और शोएब भाई से कांटेक्ट करेगा, वो यहाँ पर पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे हैं जी, यहाँ पूरा इंट्रो बना हुआ है, नहीं बना है अभी, नहीं बना, हाँ बनेगा, पोस्टर ऑफ अकबर व्हेन वी विल कम बैक एंड वी शो यू द प्रोडक्शन हाउस लोगो एंड एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू सो मच, जय कर्नाटका।